नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग में रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जरूरी जानकारी, कृपया ध्यान दें। पीसीडीए इलाहाबाद ने जारी किया लेटेस्ट आदेश। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं और रिस्पेक्टेड फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए काफी लेटेस्ट खबर लेके आए हैं दोस्तों। तो फटाफट से जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पीसीडीए इलाहाबाद की ओर से क्या लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी सभी भूतपूर्व सैनिकों को यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट इलाहाबाद की तरफ से ये लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वार्षिक कार्य योजना के तहत समय समय पर पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, अभी प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन इलाहाबाद की ओर से 168वीं डिफेंस पेंशन अदालत का आयोजन रांची झारखंड में किया जा रहा है 25 से 26 जुलाई 2019 तक। तो जो भी हमारे पेंशन भोगी पब्लिक सेक्टर बैंक और टीओज एंड डीआरडीओ की तरफ से पेंशन का ड्रॉ करते हैं, वो इस पेंशन अदालत में हिस्सा लेके आपकी जो भी समस्या है उनका निदान करा सकते हैं। तो आप सभी की जो भी समस्या है आपको इस एड्रेस के माध्यम से पेंशन अदालत में भेजना होगा, या आप पीसीडीए इलाहाबाद की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का टीए या डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा और आपकी जो भी समस्या है वो ईमेल आईडी के माध्यम से या डाक विभाग की ओर से भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट पेंशन पेमेंट ऑर्डर लगाना होगा, कोरिजेंडम पीपीओ लगाना होगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अदर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप भेज सकते हैं और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको साथ में कैरी करना है। और आपको पेंशन अदालत में यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजे उस पे साइन जरूर करें, अनसाइंड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपकी जो भी समस्या है वो इस पेंशन अदालत में जो 25 और 26 जुलाई 2019 को होने वाली है उसमें जाके ऑन द स्पॉट समाधान करा सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य में रहते हैं ताकि आपके लिए भी जो भी पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा उस समय हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।